अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं 2025 में आलमी सतह पर एक अंदाज़े के मुताबिक हमारी दुनिया 180 जेटा बाइट्स ऑफ डेटा जनरेट और कंज्यूम करेगी। ये जेटा बाइट क्या बला है? ये समझ लीजिए कि एक जेटा बाइट के अंदर 1 बिलियन टेरा बाइट्स होता है। तो एक जेटा बाइट नहीं, दो जेटा बाइट नहीं, 180 जेटा बाइट्स डेटा हमारी दुनिया जनरेट करेगी ग्लोबली और कंज्यूम करेगी। ये बहुत सारी मालूमात है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं हूँ जवाद अली ख़ान, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट इन डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स, मास्टर्स इन डेटा इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, एंड आई हैव डिफरेंट अराउंड 17 डिफरेंट सर्टिफिकेशन इन दी डेटा डिसिप्लिन। इससे पहले मैं Folio3, बैंक अल्फला, रॉयल साइबर और PwC पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रहा हूँ और मेरा 10 साल का तजर्बा है फील्ड का और फ़िलहाल रियाद में होता हूँ और एज अ सीनियर कंसल्टेंट डेटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। आपके चैनल में खुश आमदीद। यहाँ पे जो वो चैनल है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जहाँ पे हम उस टेक्नोलॉजीज़ को डिकोड करते हैं जो हमारी दुनिया को शेप दे रही है। आज हम डेटा इंजीनियरिंग के दिलचस्प दायरे में डूबने जा रहे हैं। हम आज ऑफिशियली कदम रखते हैं उन चीज़ों को समझते हैं और आसान उर्दू में वो कॉन्सेप्ट्स जो कि अच्छा, क्योंकि हम जानते हैं हमारी दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, तो हम वो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स, वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स, मैं कोशिश करूँगा उसको आसान उर्दू में अपने तजर्बे के साथ आपको, आप तक पहुँचाऊँ। अब आप चाहे एक्सपीरियंस डेटा इंजीनियर हैं या बस डेटा के बारे में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रखते हैं, आप बिल्कुल सही जगह हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको, उस डेटा इंजीनियरिंग के पीछे जो जादू चल रहा है उसको डिकोड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे किस, आपको वो इन्फॉर्मेशन, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आप जानते हैं ये डेटा वो चीज़ है जिसको ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करके अपनी किस्मत बदल रही हैं और डेटा इंजीनियरिंग ही आज की डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी की हैसियत से काम कर रही है। चाहे वो आपकी कोई स्ट्रीमिंग सर्विस हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपके लिए पर्सनल रिकमेंडेशन हो, इन सब के पीछे वो डेटा आर्किटेक्चर मौजूद है जिसके बिहाफ पे ये रियल टाइम एल्गोरिथम्स काम कर रहे हैं। अगर मैं थोड़े से पुरानी बात करूं तो आज से 20 साल पहले, या मैंने भी जो अपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा था, हमारा तो खैर निसाब ही बहुत पुराना है, तो पहले ये होता था 1980, 1990, इवन 2000 में भी, कि हमारे पास तीन चीज़ें आती थी कंप्यूटिंग में, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब मामला तब्दील हो गया, अब क्या है, एक्सट्रैक्ट, जितनी भी इंफॉर्मेशन इज़ देयर बहुत ज़्यादा मौजूद है, जनरेटेड है, आप एक्सट्रैक्ट करें जितनी आपको चाहिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी आप एक्सट्रैक्ट कर लें, ट्रांसफॉर्म करें, लोड करें, या इतना भी बढ़ गया कि पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे फिर लोड करेंगे और फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसमें तीन डिफरेंट पैटर्न चल रहे हैं, ETL चल रहा है, ELT चल रहा है और ELLT भी चल रहा है। तो उसका दूसरा, एक तो एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड है, दूसरा है कलेक्ट एनालाइज एंड सर्व। तो डेटा इज़ देयर, पहले क्या प्रॉब्लम थी कि हमारे पास डेटा रखने की इतनी कॉस्टिंग नहीं थी, मतलब इतने रिसोर्सेज नहीं थे जो उस डेटा को कंटेन कर सके। फिर सॉफ्टवेयर बहुत महंगे थे, एल्गोरिदम्स रेडी नहीं थे। आज की दुनिया में जनाबे अली एल्गोरिदम्स भी हैं, सॉफ्टवेयर्स की क्या बात करें, सॉफ्टवेयर्स तो ओपन सोर्स हैं और डेटा क्या क्या साइज़ है, क्या कॉस्टिंग नहीं है, ये मैं आपको भी बता देता हूँ कि पहले, आज से चंद सालों पहले डेटा की स्टोरेज कॉस्ट क्या थी और आज की दुनिया में डेटा की स्टोरेज कॉस्ट क्या है। तो डेटा इज़ देयर, इंफॉर्मेशन इज़ देयर, सो दिस इज़ द राइट टाइम अपने आप को इस करियर में, इसमें ट्रांजिशन करें आप लोग, डेटा साइंस में, डेटा इंजीनियरिंग में, डेटा एनालिसिस में, डेटा वेयर हाउसिंग में। तो
मैं आपको कॉस्ट बता देता हूँ कि पहले डाटा की क्या, डाटा कंटेन करने की स्टोरेज की क्या कॉस्ट थी और अब क्या कॉस्ट है। अब जो मैं आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करने जा रहा हूँ वो 2024 के नहीं है लेकिन 2022 2023 के हैं। डेली गूगल के ऊपर 5.6 बिलियन सर्चेज होती हैं डेली बेसिस पे। फेसबुक 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, फेसबुक के 2.9 बिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स थे। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा जिनको वो पार कर देते हैं, जिनके अकाउंट डिलीट कर देते हैं, मैं बात कर रहा हूँ जो एक्टिव यूज़र्स हैं वो 2.9 बिलियन हैं। उनके मैसेजिंग, उनकी फीड्स, उनकी शेयरिंग, मतलब एक फेसबुक के बारे में तो मशहूर है, दुनिया की 10% आबादी को डिजिटल उस एक कड़ी से पुरो दिया। अमेज़ॉन की अगर मैं बात करूँ तो अमेज़ॉन 150 मिलियन यूनिक विजिटर्स, मैं अमेज़ॉन ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, के ऊपर 150 मिलियन यूनिक नए विजिटर्स हैं जो कि हर महीने आ रहे हैं। तो ये डाटा इस स्केल पे जनरेट हो रहा है। अगर मैं ट्विटर की बात करूँ, ट्विटर के भी मैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो भी 2 साल पुराने हैं। रोज़ाना 500 मिलियन ट्वीट्स सेंड होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि डेटा की जनरेशन कितनी स्केल पे है और इसकी कॉस्ट क्या थी। मैं आपको बता देता हूँ, 40 साल पहले डेटा की स्टोरेज कॉस्ट जो थी वो $2,38,000 पर GB थी। फिर 5 साल बाद यानी 35 साल पहले 1 GB डेटा को स्टोर करने की कॉस्ट हमारी हो गई $48,720। उससे 5 साल बाद यानी 30 साल पहले डेटा की स्टोरेज कॉस्ट थी $5,152 1 GB की। फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ मैं, 10 साल पहले डेटा की जो स्टोरेज कॉस्ट थी वो 0.05 सेंट यानी कि 5 सेंट थी 1 GB की। और 5 साल पहले की बात करूँ अगर मैं, तो डेटा की 1 GB की स्टोरेज कॉस्ट 0.03 यानी कि सिर्फ 3 सेंट थी। और आज की दुनिया में डेटा की जो स्टोरेज कॉस्ट है आज की 2024 के अंदर, अगर आप अजोर ब्लॉब स्टोरेज का कोल्ड टायर लें या अमेजोन S3 लें या गूगल की स्टोरेज लें, या अब तो खैर IBM, ओरेकल और अलीबाबा क्लाउड ये भी मार्केट में आ गए हैं, अपने क्लाउड सेल कर रहे हैं, तो आज की दुनिया में आज जो 1 GB की स्टोरेज कॉस्ट है वो 0.01 सेंट है। ये सब क्यों है? क्योंकि डेटा इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट इट्स स्टोरेज कॉस्ट। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये डेटा कितनी कीमती बसीरत रखता है। इससे यानी आप इस बात को समझें कि कंपनीज़ को वो इन्फॉर्मेशन आज मिलना शुरू हो गई जो कि उनको 30 साल बाद मिलती। उनको मार्केट के वो ट्रेंड्स पता चलना शुरू हो गए क्योंकि ये अब इंटरकनेक्टेड है। उनको मार्केट के वो ट्रेंड्स पता चलने शुरू हो गए, उनको अपनी परफॉर्मेंस पता चलने शुरू हो गए, उनको कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो कर रहे हैं उससे उनको ये जो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं जब इनको मर्ज करते हैं तो ये इस सिचुएशन में आ गए हैं, इस पोजिशन में आ गए हैं कि ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 साल बाद 90% विद 90% एक्यूरेसी और 80% एक्यूरेसी कि अगर यही सब रहा तो क्या होगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि डेटा इज़ न्यू, डेटा इज़ अ DNA, डेटा इज़ इट सेल्फ अ मॉन्स्टर, यस, और डेटा इज़ अ वे टू गो। इन ये जो मैंने 3 बातें की, अ मॉन्स्टर, अ DNA, अ वे टू गो, इन तीनों के पीछे 3 मुख्तलिफ कहानियाँ हैं जो कि हम इंशाल्लाह इस सीरीज़ के अंदर उनको देखेंगे, उनके स्टडीज़ को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये तो हमने समझा कि डेटा क्या है, अब हम समझते हैं कि डेटा इंजीनियरिंग क्या है। यूँ समझ लीजिए कि डेटा साइंटिस्ट आर द एक्सप्लोरर ऑफ गैलेक्सी। व्हाट इफ कि गैलेक्सी एग्जिस्ट नहीं करती, डेटा साइंटिस्ट एक्सप्लोर करते हैं गैलेक्सीज को और देखते हैं उसमें क्या क्या है। लेकिन क्या अगर ऐसा हो कि गैलेक्सी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आस्क डेटा इंजीनियर टू क्रिएट वन। यानी डेटा इंजीनियर वो गैलेक्सी बना के देता है जिसके अंदर डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, BI इंजीनियर्स, डेटा वेयरहाउस इंजीनियर्स, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर फ्लोट करते हैं, अपनी अपनी रोल्स अंजाम देते हैं, जो जो वो उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो वहाँ परफॉर्म कर रहे होते हैं।
तो यूं समझ लीजिए कि डेटा इंजीनियरिंग एक हाईवे है डेटा का, जहाँ से डेटा आएगा यानी कलेक्ट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, मॉडल्ड होगा, एनालाइज होगा, अवेलेबल होगा, रिलायबिलिटी के साथ मौजूद है, बिल्कुल रेडी रखना है डेटा साइंटिस्ट के लिए और बिजनेस के लिए कि वो उसको यूज़ कर सकें। अब ये जो आर्किटेक्चर बनता है और ये जो गैलेक्सी बनती है, या इसकी चलें इसकी एक और मिसाल लेके समझते हैं कि जब हम घर बना रहे होते हैं तो घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट की ज़रूरत होती है, जो कि उसका नक्शा खींचता है, बताता है कि प्लंथ यहाँ से होगी, यहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन होगी, यहाँ से हवा आएगी, ये वेस्ट ओपन मतलब हवा का रुख ये है, तो यहाँ से ये हम विंडो देंगे तो इस तरीके से पूरा घर ठंडा रहेगा। वो जो आर्किटेक्चर बनाता है डेटा की दुनिया में, समझ लें कि वो सारा काम डेटा इंजीनियर्स कर रहे होते हैं। रॉ मटेरियल जो है वो डेटा है, पाइपलाइंस उनका स्ट्रक्चर्स हैं, और जो प्लिंथ बनती है वो उसकी फाउंडेशन है, जो डेटा इंजीनियर्स बना के देते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करके देते हैं। तो ये डेटा इंजीनियरिंग है कि लेमैन जबान में इसको हम डेटा इंजीनियरिंग कह सकते हैं। अब इसको कलेक्ट करने के अंदर बहुत मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, तरीके मौजूद हैं, लैंग्वेजेस मौजूद हैं, ट्रांसफॉर्म के लिए अलग फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, लैंग्वेजेस मौजूद हैं और स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, और ऑब्वियसली लोड करने के लिए ISO के स्टैंडर्ड मौजूद हैं, सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस मौजूद हैं, DMBOK का एक फ्रेमवर्क मौजूद है डेटा गवर्नेंस का, कि डेटा ट्रांसफॉर्म होने के बाद जब वो एक वैल्यूएबल, एक रॉ डेटा जब एक वैल्यूएबल इंसाइट्स देने का काबिल बन गया, तो अब वो इतना कीमती हो गया कि अब इसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो अब डेटा के इर्द गिर्द जो रोल आज की दुनिया में जनरेट हो रहे हैं, वो डेटा स्टेवर्ड है, डेटा आर्किटेक्ट है, ML इंजीनियर्स हैं, ज़ाहिर है डेटा अवेलेबल है तो मशीन लर्निंग का काम चल रहा है, AI इंजीनियर्स हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं और डेटा प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं। पहले आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले या ये 15 साल या 20 साल पहले भी सिर्फ हमने सुना था कि एक MIS एक रोल होता है, मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि रिपोर्टिंग करता है बिजनेस की। लेकिन आज डेटा की वजह से जितने भी रोल आ रहे हैं, ये यानी इसके लिए स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, इसके लिए फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं, इसके लिए पॉलिसीज़ बन रही हैं, नए नए गवर्नेंस का ISO के स्टैंडर्ड्स मॉडल्स आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, अभी तो हमने LLM की बात ही नहीं की है, उसके बाद जो एक नई हवा चली है उससे जो नए रोल्स मार्केट में आ रहे हैं उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ डेटा की बात कर रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द कितने रोल्स मौजूद हैं। तो इनशाल्लाह हम उनको एक्सप्लोर करेंगे इस सीरीज़ में। और आपका कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आपको लगता है कि ये चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, तो ज़रूर डू लेट मी नो, मैं उसको इंशाल्लाह इनकॉर्पोरेट करने की इस कोर्स में कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।